पूरा 1 किलोमीटर दूरी का रास्ता था। वहाँ तक सिंदूरी नाला तक गाड़ी जाती थी, वहाँ से लोगों का शिफ्टिंग होता था। अभी वो शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पूरा रास्ता पानी में चला गया है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने के वजह से ये पूरा डूब आ गया है। वहाँ पर सिंदूरी गांव पूरा डूबा हुआ है। और ऐसे 13 गांव है महाराष्ट्र में कि जिनमें पानी घुसा हुआ है और लोग आज भी पूरे डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे कम से कम 100 घर महाराष्ट्र के 33 गांवों में आज भी डूब क्षेत्र में है। इसमें लोगों की पूरी जमीन और मकान पूरे डूब गए हैं। डूबने के वजह से कुछ परिवार जो बाजू में घर दिखता है, यहाँ पे घर दिखता है, वहाँ पे घर दिखता है, वो घर सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित थाल के लिए बचाव कार्य के माध्यम से 2006 में उनको ऊपर शिफ्ट किया है। लेकिन वो कब तक रहेंगे यहाँ पर और उन लोगों को कोई भी नगरी सुविधा या पुनर्वास के योजना भी अभी तक नहीं दी गई है, जमीन भी नहीं दी गई है। इसी हालत में यहाँ कब तक रहेंगे? ये टापू जैसा क्षेत्र बन गया है, एक दूसरे पहाड़े में जाने के लिए रास्ता नहीं है, जनजीवन बहुत मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं।